हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपिक्योर टेल्स में पनीर चिल्ली के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसे पनीर चिल्ली कहते हैं या चिल्ली पनीर। तो आइए शुरू करते हैं पनीर चिल्ली बनाना। पनीर चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम पनीर का। उस पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक लेके उस पर डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है वो चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाला है, और एक चम्मच जो है इसमें भुट्टे का आटा डाला है। और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको मिक्स करना है, टॉस करके यानी उछाल कर उसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एक बार ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको हल्का सा हाथ में पानी लेना है और इसके ऊपर पानी छिड़क देना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर से एक बार पानी छिड़कने के बाद एक चम्मच इसमें जो है वो भुट्टे का आटा डालना है और उसी तरीके से इसे टॉस करना है यानी उछाल कर इसे मिक्स करना है। तेल मैंने पहले से रख दिया था गरम होने के लिए और तेल एकदम तेज़ गरम था। उसमें मैंने डाल दिया है एक एक करके पनीर जो अभी हम लोगों ने मिक्स किया था, और इसे अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है। ध्यान रखना है कि पनीर जो है वो कड़क ना हो, इस वजह से इसे आपको जो तेल है उसको पहले से ही काफ़ी गर्म रखना है और आंच को भी तेज़ रखना है। इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन जैसी हल्की हल्की हो जाए तो हमारी पनीर जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब एक अलग से मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच जो है वो तेल डाला है और उसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। अब इस प्याज को अच्छे से मैं जो है चला लूँगी। अच्छे से इसे चलाने के बाद ज़्यादा नहीं, बस 2-4 सेकेंड तक इसे अच्छे से चला कर इसमें मैं अब जो है 3 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल दूंगी। तो 3 चम्मच कुटा हुआ लहसुन इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। अगर आप कूटना नहीं चाहते तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक डाल दिया है मैंने। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद आपको वेजिटेबल स्टॉक या फिर गर्म पानी जो है इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा। वेजिटेबल स्टॉक यानी सब्जियों को हम जिस पानी में उबालते हैं उसे वेजिटेबल स्टॉक कहते हैं। तो फिर ये वेजिटेबल स्टॉक की आप गर्म पानी के बाद मैंने इसमें 3 चम्मच जो है वो डार्क सोया सॉस डाल दिया है। और फिर डार्क सोया सॉस डालने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। हरी मिर्च के पेस्ट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की पत्ती की जो डंठल होती है उसे बारीक काट के डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है वो 2 से 3 जो हरी मिर्च है उसको जो है स्लिट करके डाल दिया है। और फिर उसके बाद इसमें नमक डाला है। नमक आपको थोड़ा स्वाद अनुसार डालना है क्योंकि पनीर में आपने ऑलरेडी डाला है। और फिर 1 चुटकी जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल के इसे अच्छी तरीके से चला लेना है। अब इसे हल्की आंच पे जो है वो हम छोड़ देते हैं। तब तक हम जो है वो कॉर्नफ्लावर स्टार्च बना लेते हैं यानी भुट्टे के आटे में पानी डालकर इसे अच्छे से जो है पतला पेस्ट बना लेंगे। और फिर इस भुट्टे के आटे का जो स्टार्च हमने बनाया है, पेस्ट बनाया है, उसको हम डाल देंगे जो सॉस हमने तैयार की थी उसमें। तो जितना हमको ज़रूरत है, जितना हमको इसे गाढ़ा करना है उतना आपको डालना है उस हिसाब से। देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसमें मैंने 1 चुटकी जो है वो शक्कर डाल दी है। और शक्कर डालने के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें शक्कर मैंने डाल दी है और इसको चलाया है मैंने, अच्छे से चला दिया है। अब शक्कर डालने के बाद जो पनीर मैंने फ्राई की थी वो इसमें डाल देनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने पनीर इसमें डाल दी है जो फ्राई की हुई थी। अब उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। धनिया की पत्ती के बाद प्याज की जो पत्ती आती है वो डाल दी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज और शिमला मिर्ची की, जो क्यूब की तरह मैंने काट लिया था बड़े बड़े हिस्सों में प्याज और शिमला मिर्ची को, वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो हरा प्याज का पत्ता आता है उसके ऊपर की जो प्याज होती है उसका भी उसको भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। और उसे हल्के हाथों से आपको बस 1 से 2 बार जो है वो ठीक ठीक तरीके से चलाना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर ये ठीक तरीके से चलाने के बाद जो हरे प्याज की जो पत्ती होती है वो इस पे डालना है। लेकिन मैं इसमें विनेगर जो है वो सॉस में ही डालना था, वो मैं डालना भूल गई हूँ। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है वाइट विनेगर डाल रही हूँ, वो पहले ही सॉस में आपको डाल देना है। और फिर उसके बाद जो प्याज की जो पत्ती होती है वो डाल दिया है। और अब ये हमारा जो चिली पनीर है या पनीर चिल्ली है वो रेडी हो चुका है। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। अगर आपको पनीर चिल्ली की ग्रेवी बनाना है तो बस आपको ये करना है कि जो आपने वो सॉस तैयार किया था उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक या जो कह सकते हैं पानी, आपने गर्म पानी डाला था उसको थोड़ा और बढ़ा देना है। और उस हिसाब से आपको जो कॉर्नफ्लावर स्टार्च है वो भी उसी हिसाब से थोड़ा ऐड करना है। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी ग्रेवी पानी या वेजिटेबल स्टॉक बढ़ा के कर सकते हैं उसे।
मुझे तो ये इसी तरीके से ज्यादा पसंद है। अब देखिए इसकी प्लेटिंग भी हो गई है, इसको गार्निश भी कर दिया है प्याज के पत्तों के साथ। अब ये हमारा खाने के लिए तैयार है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।